हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड फ्रॉम इंडिया और मैं हूं निशा। इस वीडियो में आज आप देखेंगे हरे प्याज और आलू की मसालेदार सब्ज़ी, जो बनने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी होती है, जिसे आप पराठे, पूड़ी या किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस आसान सी बन जाने वाली रेसिपी को कैसे बनाना है। हरे प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए हरा प्याज, जिसे इस तरह से कट कर लिया है, दो मीडियम साइज के टमाटर, आलू और ज़ीरा। मसाले में हमें चाहिए हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और अमचूर पाउडर। इसके साथ ही साथ हमें चाहिए जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे और उस पर कढ़ाई या कुकर, आप जो भी बनाना, जिसमें भी बनाना चाहते हैं वो चढ़ा लीजिएगा। और उसमें हम ऐड करेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा जैसे ही भुन जाए या तड़क जाए, उसमें आप ऐड करिएगा कटे हुए हरे प्याज के पत्ते। अब आप सोच रहे होंगे कि हरे प्याज के पत्तों को क्यों फ्राई करना है, इससे जो इसका कच्चापन है, जो तेज़पन होगा वो निकल जाएगा। तो आप इसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम फ्राई कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप भी इन्हें फ्राई करिएगा। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो जैसे ही इसकी क्वांटिटी कम हो जाए, आप इन्हें कढ़ाई से निकाल लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पत्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं और आप इसे प्लेट में खाली कर लीजिए, निकाल लीजिए। इसके बाद सेम कढ़ाई में आप थोड़ा सा तेल और ऐड करिएगा। वापस से तेल जब गर्म हो जाए, तो तड़के के लिए आप ज़ीरे का इस्तेमाल करिए। ज़ीरा जैसे ही भुन जाए, इसमें आप ऐड करिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इन्हें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, जब इसका कच्चापन निकल जाए, तो आप ऐड करिएगा टमाटो या 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे 1 मिनट तक इसको भूनने के बाद, अब आप इसमें मसाले ऐड करिएगा। सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। तो नमक ऐड करने के बाद आप इन्हें एक बार और मिक्स कर लीजिए। अब इसमें आप ऐड करिए लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ऐड करने के बाद आप इन्हें भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। और अब इन्हें तब तक पकाइए जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाए। आपका मसाला कढ़ाई में ना लगे, इसीलिए अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून के बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड किया है, जिससे हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा और कढ़ाई में लगेगा भी नहीं नीचे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं, आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट के बाद, जब हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, तो हमने यहाँ पे कटे हुए आलू ऐड कर दिए। आलू ऐड करने के बाद आप इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ऊपर से इसमें हम डालेंगे अमचूर का पाउडर। अमचूर के पाउडर से हमारी सब्ज़ी में खट्टापन आएगा और सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आलू अच्छे से पक जाए, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, 2 टेबलस्पून के बराबर। और इन्हें अच्छे से मिक्स करके ढक करके, अब जब तक आलू नहीं गल जाएंगे, आलू गलने तक हमें सब्ज़ी को पकाना है। थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे आलू अच्छे से बिल्कुल गल गए हैं, तो हमारी सब्ज़ी रेडी है। अब इसमें हमने जो प्याज फ्राई किया था, हरा पत्ता, वो ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो, हरे पत्ते ऐड करने के बाद आप वापस से सब्ज़ी को अच्छे से मिलाइए। और तीखापन चाहते हैं तो आप ऊपर से ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 से 4 मिनट के बाद देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी, आपने किस तरीके से बनाई, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।